सब लोग बीजेपी के झूठे वादों से निराश हैं। योगी जी के कार्यकाल में 13 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, एक भी पेपर लीक वाले यहाँ बुलडोजर नहीं किया। तो लगातार नौजवान निराश, और ये निराश नौजवान अगर कहीं आशा और उम्मीद की निगाह से देख रहा है तो अरुण अखिलेश यादव जी को देख रहा है। क्षेत्रीय सांसद की तो बात हम क्या करें, वो तो एक कलाकार है। पार्टी से निराश है, प्रधानमंत्री से निराश है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से निराश है, एज एन होल बीजेपी से लोग निराश हैं। और इस बार आजमगढ़ के लोग सूद सहित ब्याज सहित बीजेपी को हराने का। डायनामाइट न्यूज के साथ सैफई में इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के धाकड़ नेता और 3 बार के लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव जी। सैफई मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, इनसे बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र जी, मैंने आपको धाकड़ कहा क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में देखा है कैसे आप अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं। अब तक आप बात रख रहे थे बदायूं की, सबसे पहले रखा मैनपुरी की, अब आपको एक नया क्षेत्र मिला है। अगर आप इस बार आजमगढ़ से जीत जाते हैं तो एक ऐसे नेता होंगे जो 3 अलग अलग सीटों से जीत कर सदन पहुंचे हैं। आजमगढ़ की जनता के बीच जो आपने घूमा, वहां की परिस्थितियां क्या दिखाई दी? बहुत शानदार परिस्थितियां हैं। आजमगढ़ के लोग समाजवादी पार्टी में, माननीय अखिलेश जी में विश्वास और भरोसा, सदे नेताजी में आस्था रखने वाले लोग हैं, और लगातार समाजवादियों का बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है। और मैं अपने को सौभाग्यशाली इस मायने में समझता हूँ कि आजमगढ़ जैसे शानदार समाजवादी क्षेत्र से पार्टी ने मुझे लड़ने का मौका दिया। और लगातार मैंने आजमगढ़ के लोगों बीच कहा कि उनकी आवाज़ को बहुत मजबूती के साथ सदन में रखने का काम करूंगा, ये विश्वास मैंने आजमगढ़ के लोगों को दिलाया है। साथ ही साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय नेताजी ने जो काम किए हैं, उन सभी कामों को आगे बढ़ाने का भी मैंने विश्वास लोगों को दिलाया है। एक बड़ी लिगेसी है, नेताजी खुद उस सीट पर रहे, मैनपुरी में भी थे, आपने मैनपुरी को संभाला, आजमगढ़ से नेताजी खुद सांसद थे, उसके बाद आपके भाई अखिलेश यादव जी भी आजमगढ़ से सांसद बने। आपको ये लगता कि बहुत चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी है? निश्चित तौर पे बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि वो रिश्ते कोई मामूली नहीं है, पीढ़ियों के रिश्ते हैं, लोगों के जज्बात जुड़े हैं, लोगों ने लगातार संघर्ष में साथ दिया है। ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मुझे यकीन है हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से और सबके सहयोग से उस जिम्मेदारी को भी निभाएंगे। और आजमगढ़ के बारे में एक अलग चीज़ जो हो रही है, आजमगढ़ की आवाज़ सदन के अंदर हमेशा बहुत मुखर रही है, चाहे स्वर्गीय चंजीत जी के रूप में रही हो, चाहे स्वर्गीय रामदेश जी के रूप में रही हो, चाहे सदे नेताजी के रूप में रही हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी पिछली बार वहाँ पर थे, तो बड़ी आवाज़ रही आजमगढ़ की सदन के अंदर। और उस जिम्मेदारी को निभाना, उस परंपरा को निभाना एक बड़ा काम है, लेकिन सबके सहयोग से होगा। 1.5 साल पहले जब आपने उपचुनाव लड़ा था और अब 1.5 साल बाद जनरल चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़ से, आम चुनाव, क्या अंतर है जमीनी परिस्थितियों में, क्या महसूस हुआ? बड़ा अंतर है। वो एक एक्सीडेंटल हार थी समाजवादी पार्टी की या उम्मीदवार के तौर पे मेरी, और इस बार आजमगढ़ के लोग सूद सहित ब्याज सहित बीजेपी को हराने का काम करेंगे, ऐतिहासिक वोटों से बीजेपी को हराएंगे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुझे जिताएंगे, क्योंकि लोग निराश हो गए बीजेपी से। क्षेत्रीय सांसद की तो बात हम क्या करें, वो तो एक कलाकार हैं। पार्टी से निराश हैं, प्रधानमंत्री से निराश हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से निराश हैं, एज एन होल बीजेपी से लोग निराश हैं। और जब ये निराशा वोटों में तब्दील होगी तो ऐतिहासिक जीत होगी समाजवादी होगी। मैंने आपको धाकड़ नेता कहा, वजह इसकी थी कि हमने आपको संसद में भी देखा है, मैनपुरी भी देखा, आपको बदायूं भी देखा, आप जोड़ तोड़ में माहिर हैं। यादव वोट कहीं छिटक न जाए थोड़ा भी, जैसा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया है, इसीलिए आप लगता है कि संभल कर अपने शतरंज की चालें बिछा रहे हैं। और राम नरेश यादव जी एक बहुत बड़ा नाम है आजमगढ़ का, उनके बेटे को अपने पाले में कर लिया आपने? वो कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं आदरणीय कमलेश जी, और कांग्रेस हमारा गठबंधन है, वो हमारे चुनाव प्रचार में 2 बार आके गए हैं और फिर आएंगे। वो अभी बीच के चुनाव में वो बनाई हुई थे, फिरोजाबाद भी थे, और फिर आएंगे। वही नहीं, आलरेडी जमाली साहब ने ज्वाइन किया, कल वहाँ के हमारे पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल जी ने भी ज्वाइन किया है। तो लगातार लोगों का समर्थन और सहयोग मिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कारवां। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, विभिन्न जातियों समुदायों को आप साथ लेकर चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछेंगे, यूथ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस बार आजमगढ़ के चुनाव में, खास तौर पे फर्स्ट टाइम वोटर, इन फर्स्ट टाइम वोटर और यूथ से आप क्या अपील करना चाहेंगे? यूथ के लोग, विशेषकर जो बेरोजगार लोग हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हों चाहे उससे भी आगे के हों, सब लोग बीजेपी के झूठे वादों से निराश हैं।
60-60 लाख नौजवान जिन भर्तियों में बैठ रहे हैं, वो नौजवान उन भर्तियों की पेपर लीक, परीक्षा रद्द, निराशा है लोगों में, ओवरेज हो रहे हैं। अग्निवीर में जिस तरह से जो योजना आई है, 4 साल बाद बेरोजगार होने का जो संकट है और भय है, जो अविश्वास है, तो लगातार नौजवान निराश, और ये निराश नौजवान अगर कहीं आशा और उम्मीद की निगाह से देख रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को देख रहा है, और उनके ही सिपाही के तौर पर मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ, तो स्वाभाविक मुझे लाभ मिलेगा। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बिल्कुल मुद्दा है, योगी जी के कार्यकाल में 13 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। एक भी पेपर लीक वाले यहाँ बुलडोजर नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किया है? क्योंकि सरकार ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर लीक इसलिए करवा रही है उन्हें भर्ती की ना करना पड़े, रोजगार ना देना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद डायनामाइट से बातचीत करने के लिए। तो ये थे धर्मेंद्र यादव जी, जो सैफई मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए। इनका साफ साफ कहना है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस सीट का प्रतिनिधित्व किया है आजमगढ़ का, उस सीट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इनको भेजा है, तो उनके भरोसे पर पूरा खरा उतरेंगे। अपने सहयोगी संवाददाता सुभाष रतोड़ी और रोहित गोयल तथा अपने कैमरामैन सतीश वर्मा के साथ मनोज टिबड़ेवाला, आकाश डायनामाइट न्यूज, सैफई, इटावा।